हेलो गाइस, वेलकम विद माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम केसरबाग में हूँ, लखनऊ केसरबाग से निकलूँगा गोरखपुर के लिए। तो ये पीछे ये वाली मेरी बस खड़ी हुई है, जो कि रोडवेज है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। अब वहाँ ये पीछे ये स्टेशन है केसरबाग का, बस स्टेशन। चलिए मैं आप लोगों को बस स्टेशन दिखाता हूँ कैसा है और क्या है। रात के 12 बज चुके हैं फाइनली। अभी भीड़ उतनी नहीं है केसरबाग पे, क्योंकि मोस्टली बसें निकल चुकी हैं और बस अब 12-1 बजे तक लास्ट बस रहती है। इसके बाद कोई बस रहेगी नहीं, सारी जो निकलनी थी निकल गई। अब जो लंबा रूट रहेगा उसी की बसें मिलेंगी यहाँ पे। चलिए आप लोगों को केसरबाग बस अड्डा दिखाता हूँ कैसा है। केसरबाग बस अड्डे का ये मेन गेट है, ये देख सकते हैं केसरबाग बस अड्डा। और यहाँ पे ये बस लगी हुई है। चलिए मैं आपको केसरबाग बस अड्डे के अंदर मेन गेट से लेके चलता हूँ। यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, जिससे जो भी पैसेंजर्स आता है इंक्वायरी करता है बस कब आएगी, कब जाएगी, किराया कितना क्या है। और ये मेन पॉइंट है, इधर टिकट घर है ये। ये केसरबाग बस अड्डे का हॉल है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है। और यहाँ पे अभी सारे पैसेंजर जिनको जाना है ये सब बसें जो निकलनी थी निकल गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे सारे के सारे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं। और मोस्टली लोग अब मॉर्निंग में उनको बसें मिलेंगी, तो यहाँ पे अपने सोने का प्रोग्राम सेट कर लिए हैं, देख सकते हैं। बहुत लोगों ने बिस्तर भी अपना लगा लिया है सोने के लिए, कुछ लोग ये चेयर पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे सो रहे हैं। बहुत बड़ा ये हॉल है। इसी हॉल के अंदर ये टी स्टॉल दिया रखा है, खाने पीने का भी सामान मिलता है, 2 टी स्टॉल हैं। तो मैं रात के 12 बजे आया हूँ, यहाँ से कोई प्राइवेट बस नहीं जाती है, वोल्वो वगैरह केसरबाग से ओनली गवर्नमेंट ही बस मिलती है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाली। तो उसी से जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे अभी एसी भी अवेलेबल नहीं है, एसी बस। तो मैं नॉर्मल बस से जा रहा हूँ। इसका किराया हमारा गोरखपुर तक पड़ेगा 326 रुपये, और एसी बस जो रहता है उसका 539 रुपये पड़ता है। डिफरेंस ये रहता है, एसी बस में ब्लोवर वगैरह चलता है और नॉर्मल बस में कुछ नहीं रहेगा, ओनली बैंडो बंद करो और सो जाओ। हवा आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। यहाँ पे टोटल 15 बस लगने की जगह है, जहाँ पे बस खड़ी होती है वहाँ 15 जगह से यहाँ की बसें जाती हैं केसरबाग में। यहाँ मेन गेट 4 हैं स्टेशन के अंदर आने से केसरबाग में, और मोस्टली यहाँ हर जगह की बसें मिलती हैं आपका। गोरखपुर, दिल्ली, उत्तराखंड, लुधियाना, पंजाब, मोस्टली हर जगह की बसें मिलती हैं और 24 आवर्स मिलती हैं, क्योंकि ये केसरबाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और इससे इसके बाद 4 बाग आता है। चलिए मैं चलता हूँ बस स्टॉप, अपनी बस पे बैठता हूँ और पहुँचता हूँ गोरखपुर। फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कब गोरखपुर पहुँचा। वैसे यहाँ से 8 घंटे का रास्ता, वैसे तो 6 घंटे का ही रास्ता है, बट रोडवेज 2-3 जगह रुकेगी रात में, तो टोटली 8 घंटे का रास्ता हो जाएगा। 8 घंटे बाद पहुँचते हैं गोरखपुर। ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कोहरा दिख रहा होगा, कोहरा पड़ रहा है। और लखनऊ साइड से अब जितना भी आगे चलेंगे पूर्वांचल साइड, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर होते हुए दिल्ली तक जाएंगे, अब धूप वहाँ पे धूप खिलने लगी है, लेकिन इधर बहुत ठंडी है। और गोरखपुर की ये जो बस है, ये बस नंबर 1515 पे लगती है। तो अगर आप लोग गोरखपुर जाते हैं और आप लोगों को नहीं पता, तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली एक मैं ब्लॉग देता रहूँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। और मोस्टली मेरे ब्लॉग ट्रेवलिंग पे रहेंगे, क्योंकि मुझे ट्रेवलिंग करना अच्छा लगता है। और बस प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और चीज़ें। तो मैं अभी आपको गोरखपुर पहुँचूँगा, तब दिखाऊँगा वहाँ का रेलवे स्टेशन वगैरह,
कैसा है क्या है। तो वैसे तो रेलवे स्टेशन तो नेक्स्ट डे दिखाऊंगा, लेकिन बस स्टॉप तो ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि बस स्टॉप पे ही मैं उतरूंगा। वैसे ठंडी तो आज बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। इधर गोरखपुर से जितना भी पूर्वांचल साइड जाएंगे उधर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है प्रेजेंट टाइम, और इधर से लखनऊ से जितना सीतापुर लखीमपुर वगैरह और दिल्ली तक चले जाएंगे। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, लुधियाना गया था, उधर हर जगह धूप खिल रही है लेकिन पूर्वांचल साइड बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब तो आदत सी पड़ गई रात में ट्रेवलिंग करना। तो ये गोरखपुर की जो बस है ये लाइन नंबर 15 पे लगी रहती है। आप जब भी आइए, गोरखपुर जाना है लाइन नंबर 15 पे आइए और बस आपको मिल जाएगी। इसका जैसे कि मैंने किराया आपको बताया, ये नॉर्मल बस है उसका 350 रुपये है, जो एसी बस है उसका 529 रुपये का टिकट है। देख सकते हैं पीछे गाड़ी लगी हुई है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, ठंडी भी है। चलिए मैं अपने बस पे बैठता हूँ और पहुँचता हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं गोरखपुर में, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस मैं फाइनली गोरखपुर पहुंच गया हूं। अभी गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के पास ये बस स्टैंड है, यहीं पे हूं। आप लोग देख सकते हैं ये बस स्टैंड है गोरखपुर का। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, आई होप आप लोग इंजॉय करते होंगे मेरे ब्लॉग को। और तब तक मैं आपको गोरखपुर का बस स्टैंड दिखा देता हूँ जो कि जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में है। मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और तो आप लोग रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन में आप देख सकते हैं। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं बहुत नेक्स्ट ब्लॉग पे।